सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग हो रहा है। बहुत लोग कह रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। कुछ लोग ये अजम्पशन लगा रहे थे कि मेरे दीदी से लड़ पड़ा हूँ या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हाँ, इसको व्लॉग लेने का मन तो नहीं था, पर लेना पड़ रहा है। तू जाके पढ़ाती है सब। अच्छा वो मैसेज। हाँ, तो यही था। ऐसे लड़ाई बड़ाई नहीं हुई थी वैसे। अभी कुछ दिनों तक ऐसा मन नहीं था ब्लॉग करने का, आज करना है। मेरा मन नहीं था ऐसा ब्लॉग करने का। अरे वो मम्मी। हाँ। कल आया था ना कूड़े वाला। हाँ जा रही है वो अनबॉक्सिंग। तूने बोला ना, मैं बोला मम्मी मारने जा रही तुमको। मुझे मतलब मेरे को ये इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। ये मॉनिटर है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। आज इसको खोलेंगे, मैं अपना डुअल मॉनिटर सेटअप करूंगा। तू करेगी अनबॉक्सिंग है? तू करेगी? लोग बोलेंगे दीदी से करवा रहा है काम। ये काम है? बबल वाला है ना, पर इसके में अरे बहुत गंदा हो जाएगा। इधर मत खोल, उधर मेरे रूम में खोल ले इसको। चल हमने स्क्रू लगा दिया है अभी, बहुत मेहनत करके। अब स्क्रू टाइट कर रहे हैं। टाइट कैसे होगा मुझे ये बताओ। ओए टाइट कैसे होगा? पता क्यों हो रहा है मम्मी, वो देना है स्क्रू टाइट करने। हां मेरे पास है। क्या है? जिसे तेरे दिमाग वाला टाइट किया था ना। जैसे तुम्हारा टाइट, जैसे तुम मारते थे इसको। हां यार तू क्या बोल रहा है? पर कुछ भी मत, मारने खाती थी अभी तक। यार बचपन की बात है भाई, बचपन में तेरा बताऊं तो घर से भाग गया था दोस्त बनाने। आप इन्होंने मेरे घर से निकाल दिया बचपन में, तो मैं नया दोस्त बनाने गया था घर से, और एक बना के भी लाया था। फिर बाद में उसी को मारा था मैंने। अच्छा तूने उसी को मारा था? उसी को मारा था यार, देखना रहा हो भाई। मारा था, आ जाएगा भाई। फिर से बड़ा था लेकिन हुआ बहुत बड़ा था मेरे से, बहुत बड़ा मार के भागा था मैंने। अच्छा वो दीदी ले लियो, इसके बाद में जब चार टाइट हो जाएंगे ना तो अपने दो इसके दो टाइट कर देना। यहां पर छोटी बांध नहीं आती, छोटी बांध देता। ओ समझा, मैं गलत कर रहा था भाई। तू पूरी लाइफ ही गलत कर रहा है। तो वैसे अभी हमने मॉनिटर सेटअप कर लिया है मेरे को, लेकिन वायरिंग का कुछ सामान नहीं आता। कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, कुछ नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया को बुलाऊंगा, भैया को ये सब आता है उससे रखवाऊंगा। ये वाला मॉनिटर पे प्राइमरी यूज करूंगा, सेकेंडरी यूज करूंगा, क्योंकि ये वाला बहुत सही। प्राइमरी मेट का क्यों? हाँ प्राइमरी मेट का क्यों? मम्मी अभी जाना है मार्केट। ये मेरा मास्क है, मेरी टी शर्ट है, फोन भी ऐसे मेरा ही है देखा जाए तो। तो अभी जाना है मार्केट मम्मी और दीदी को लेके। मम्मी को क्या लेना है? मम्मी सब्जी होती है, ठीक है इसके लिए दिमाग ले लेना। तो अभी चलते हैं, उससे पहले थोड़ा शैम्पू कर लेते हैं। कट कर देना भाई एडिटर, कुछ और एड करके डाल। नहीं कैमरे ऑन को ऐसे करना पड़ता है, मतलब सॉरी ऐसे करना पड़ता है कि तू पूरी आ पाए। मम्मी थोड़ी सी हाइट दे देते हाइट मम्मी देख लो, तुमको एक छोटा बता रही है हाइट में। हाँ मम्मी का बर्थडे आ रहा है दीदी, वही अपने आप बर्थडे बनाया आपको, जैसे हमने पहले बताया था मम्मी का बर्थडे आ रहा है। चलो शैम्पू, कहाँ जा रहे हो शैम्पू तो करने दो। तो गाइस मामा तेरे यहाँ शैम्पू निकाला है एप्पल साइडर विनेगर, जिसमें है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर, बायोटिन एंड ग्लिसरीन, जिससे कि बाल बहुत सॉफ्ट शाइनी और बाउंसी होते हैं। एंड गाइस इसकी एक और खास बात है, इसमें ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और बायोटिन है, जिसकी वजह से बाल और भी स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप रेगा 2021 कोड यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अमेजन फ्लिपकार्ट एंड mamaearth.in पे मिल जाएगा, लेकिन डिस्काउंट आपको सिर्फ mamaearth.in पे ही मिलेगा। आपको एक मेन मास्क बताना भूल गया कि एप्पल साइडर विनेगर का हेयर मास्क भी आता है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। अभी चलते हैं मार्केट फटाफट, तेरे कुछ लेना है। चलो चलते हैं, इसको भी सर्विस की बहुत जरूरत है, इसकी हालत बहुत। जब वॉशिंग दे रखा है तो ये क्या है? मम्मी मार्केट तुम और मैं जा रहे हैं, गाड़ी पीछे बैठो ठीक है, पहले बोल रहा हूँ आगे बैठ जाती है। अपने को बड़ा समझते, बड़े लोग आगे बैठते हैं सिर्फ, ठीक है? गाड़ी की थोड़ी सी हालत खराब हो गई है क्योंकि हमने पैटीज खा खा के ना। तो ऐसा कह रही है जैसे। हाँ भाई ठीक है भाई, तुम्हारे कैफे थोड़ी जाते हैं, मम्मी को बोलता हूँ गाड़ी चलाना की छोड़ी थी जरा बताइए। हाँ गाड़ी चलाना तुमने की छोड़ी जरा बता दी। नहीं सकती, बता नहीं सकती ना, लाइसेंस है बस। एक थोड़ी सी ओल्ड लेडी थी इन्होंने गाड़ी रोकी नहीं,
मतलब हुआ किसी को कुछ भी नहीं है, पर हो सकता था, पर हो सकता था, तो बहुत गंदा होता, दोनों मरते। नहीं मैं क्यों मरती, तू पापा से मरती। अच्छा हाँ मैं वैसे कह रहा था, तो फिर उसके बाद दिल में डर बैठ जाता है ना, बैठ गया। अब वैसे दिल्ली में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, फिर भी घर से बाहर ना निकले, मास्क पहन के निकले। जैसे मैं निकलता हूँ, मैं भी घर से कम निकलता हूँ, हफ्ते में एक बार निकलता हूँ। जैसे आज मैं घर मम्मी को मार्केट लेके जाता हूँ, छोड़ता हूँ, घर में जाता हूँ, बेड पे सोता हूँ, खेलता हूँ, ये रूटीन है, आप भी ये करें तो ब्लॉग क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगर आपका इतना सिंपल रूटीन है, कोई इशू ही नहीं है, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सब काम करते हैं, तो ब्लॉग क्यों नहीं हो रहा? नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। आंसर? अच्छा आंसर सुन, वो मेरे घर में दो लोग हैं भाई, तो अपना ब्लेम ना दोस्तों ने क्या बोल रखा है लोगों को, मेरे को ये जानना है तू क्या झूठ बोलता होगा ना कि ये हो गया वो हो गया, बोलो तो झूठ बोलता हूं मैं। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन दिमाग खूब चलता है, कंप्यूटर तो तुमने बढ़ावा दे रखा है, कंप्यूटर का इतना चलता रहे भाई, नया वाला लैपटॉप है जो तुमने खरीदा था। गाइस आज मम्मी को मिलने जा रहे हैं, जब तू छोटी थी पर्स लगता था ना, किसी का पर्स अटक गया, पैसे होंगे बहुत सारे उसमें, चलो पैसे चाहिए था ना, यही करती थी ना तू, पैसे वाली बात नहीं है। हाँ वो जो भी है, मेरे को भी लगता था किसी का बैग अटक गया, फिर धीरे धीरे जैसे बाहर निकलने लगे तो हर जगह बैग ही अटक रहे थे, तो फिर ओवर हो गया, फिर ओवर हो गया, इतने बैग तो नहीं अटक सकते। क्या कोई नहीं, पाल आएगा से कौन पाल? पाल अगर ब्लॉग देख रहा है ना, अगर बाय चांस तूने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो देख ले, बाकी तेरे ऊपर है, मेरे को तो कुछ बोलना नहीं। तू साथ दे रहा था ना दीदी कल परसों, छोटे बटर में तिल ऑर्डर किया था उसने, अब पूछ रही कौन बात, मैं मजाक कर रही हूं, मैं नहीं जानूंगी। बाकी देख लो भाई मेरा क्या ही है, भाई मेरा तो क्या ही है यार, आप लोग की मम्मी में टाइम लगा देंगे मार्केट सब्जी लेने में, नहीं चलेंगे गाने गाड़ी में, उतर रही है रिक्शा पीछे से मिल रही। हाँ एंड करने होगा दीदी ने कहा, अभी हम घर आ गए, अब पाल आएगा तो बाहर जाऊंगा, वरना मैं घर में रहूंगा, अब भी घर में आना ठीक है। मम्मी इतना क्या मार्केटिंग कर रहा है भाई, ये कच्चा मैंगो बाइट लेने की क्या जरूरत थी? शौक है कच्चा मैंगो बाइट का, पूरा पैकेट लेके आई थी बचपन में, लाते थे मेरा खत्म ही नहीं हुआ बचपन, तुम्हारा भी खत्म नहीं, क्या तुम्हारा भी बचपन खत्म नहीं, मेरा बचपन खत्म नहीं हुआ है, कहाँ से का मतलब है, मेरा बचपन शुरू हुआ अभी तुम्हारा शुरू हुआ, अच्छा मैं बड़ा हो गया, शुरू भी नहीं ज्यादा बोल रही हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, यस समझी, दिमाग से नहीं हुआ ये बोलना चाहती है, दिख रहे हो तो उसमें दिमाग, भाई ये तो है इसमें दिमाग वाली, एक तो अरे मम्मी ये स्टूडियो होगा दीवार पीछे यार, क्या कर रखा है ये, क्या तुम्हारा, तुम ग्रीन को ज्यादा पसंद है तुम्हें, ग्रीन सूट छोड़ो, ये क्या करा, अच्छा तो ये अच्छा इसीलिए लगाया क्योंकि ये है इसमें, ये तुम, ओह नो मैंने देखा ही नहीं, तुम भी हो, इन्होंने कहा चल रहा है कुछ साउंड ही नहीं, कैसे सही देखा अपने, वो कितनी मोटी हो गई है, शर्म आ रहा है, खा पी है, मैं मोटी ना हो गई है, एक्सक्यूज मी, अगर तुम मेरे वीडियो ज्यादा तो तुम प्लीज थोड़ा पतला कर दिया करो, अच्छा इसमें केयरिंग लग रही है, कहीं से भी केयरिंग नहीं है भाई, किधर से सेल्फिश नाम सर्च कर रही थी इंस्टाग्राम पे, मम्मी स्टॉक कर रही हूँ पबजी, कहाँ सर्च हो रही है, क्या कभी मेरे अकाउंट ज्यादा एक्टिव पता क्या, अच्छा मम्मी क्या ये देख रहे हो मेरा अकाउंट क्यों सर्च करके, अरे वो कुछ था एक वीडियो किसी ने बनाया, ये देखो एक बारी, अरे तुमने क्या कर रखा है, एक तरीका होता है रेखा डॉट चू, क्या होता है ये, गाली दे रहे हो भाई,
एक बार अपने को हंसते हुए देखा है कभी? ये मम्मी डेट मारा था तो कट करना पड़ेगा। नहीं कर दिया मैंने, लुच्ची बोला कुछ नहीं बोला मैंने। नहीं 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 लुच्ची मैं मार दूंगा, मैं गाली देता पहले बात तो भी बता दो उसको। ये वाला बताऊं गाना दिखाऊं? ओ उसको शॉट आउट मिलेगा। आप लोग ढूंढ रहे हो पापा किधर थे? पापा सुबह से फैक्ट्री में गए हुए थे, लुच्ची की फैक्ट्री। व्लॉग हो रहा है पापा बहुत दिनों। ये अबे अबे इसका पिरामिड बना हुआ था दीदी, वो जो पिरामिड था इसका काम गया फ्रूटी पीने में। कौन? तुम पी रहे फ्रूटी? नहीं पापा। फिर कौन पी रहे फ्रूटी? बाबा पी रहे? पापा तुमको मना करा था ना उस दिन। यार मम्मी वो पता कितना बड़ा था फ्रूटी का। मम्मी वो यहाँ तक तुमने उसे सजाया था, मैंने देखा था बकायदा। कौन पिया मुझे नहीं पता। ठीक है भाई यही कर रहे हो भाई, मेरी फ्रूटी जा रही है। हाँ मैंने पीता ऐसे, मैंने ये सब पीना छोड़ दिया, पेप्सी पीना छोड़ दिया, फ्रूटी पीना छोड़ दिया। हाँ तो अब मेन, अरे यार मेरे बाल लोगों ना थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं कटवा दूंगा टाइम मिलते ही। टाइम मिलते ही मतलब जैसे थोड़े से और बड़े हुए तब कटवाऊंगा। अभी मेन सीन ये है, क्या बोली? तो मेन सीन ये है, इसको उठा के इधर लगाना है। कैसे बैठ गई है तेरा फोन, क्या हो गया? और इधर जगह नहीं है, बात यह है किधर लगाऊं मैं? हाँ वैसे भी खाली है। जिसको ये फुल फोटो चाहिए ना प्लीज मेरे को पैसे दे देना। ओए सुन ये वाला अलग पोर्ट है यार। मैं करूं हैं? मैं क्या करूं ये बता ना। चला जा अपनी बनी। ठीक है तो गाइस सीन ऐसा है, ये मॉनिटर मैं नहीं लगा पा रहा, इसका जो प्लग है वो उस वाले सॉकेट पे नहीं जा रहा, सॉकेट छोटा पड़ रहा है। तो अब कल लेके आऊंगा, कल लेगा ये, मेरे को सुबह कर लेना चाहिए था ताकि अभी दिक्कत ना आए। तो ठीक है इसी का इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सो नेक्स्ट व्लॉग हो पाए। तो गाइस व्लॉग एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, मामा अर्थ एक इनिशिएटिव लिया है बाय 2025 वन मिलियन स्ट्रीट प्लांट करने का। सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन आर वेबसाइट। सो ऑल्सो गाइस मामा अर्थ ने अपना iOS एंड एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च करा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। उस ऐप में आपको पहले ही सेल्स और डिस्काउंट के बारे में पता चल जाएगा। सो फटाफट जाओ और डाउनलोड करो। चलो इस व्लॉग को एंड करते हैं।